हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं गोविंद और आज का जो वीडियो है मैं आपको डायरेक्ट लेके चल रहा हूं प्लांट में। और वहां पे हमारा एक स्क्रू बैरल काफ़ी आवाज़ कर रहा है, तो उसको हम देखेंगे कि कैसे वो आवाज़ कर रहा है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप हम आपको दिखाएंगे। और उस आवाज़ को आप शायद चाहे किसी भी इंडस्ट्री में है तो ये स्क्रू बैरल होते ही हैं और जो आवाज़ है वो आवाज़ भी आती है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या क्या कारण से वो आवाज़ आ सकती है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको लाइव दिखाएंगे भी कि क्या आवाज़ आ रही है और उसको हम कैसे ठीक कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम रिक्वायरमेंट के बारे में जान लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स आया है अपने पास अभी, दो PVC का रिक्वायरमेंट्स है और एक RPVC, जो उसका फ़ोटो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जो भी इस रिक्वायरमेंट के लिए इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर ले। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली यह आवाज़ आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आवाज़ को कैसे ठीक किया जाता है अभी हम बताते हैं आपको और दिखाते भी हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम बराबर लेके आते रह रहे हैं। देखिए, इसमें पहले हम ऑयल डालेंगे, ठीक है। ऑयल डाल के इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन से मशीन हमारा ऐसे पड़ा हुआ था, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लोग इसको, तो इसमें ऑयल डाल के साफ़ कर लेंगे, आवाज़ चला जाएगा। गियर बॉक्स का ख़राब ऑयल था, वही डलवा रहे हैं लोग, ठीक है। अभी देखिएगा इसका आवाज़ अब चला जाना चाहिए, क्योंकि अंदर काफ़ी मटेरियल पहले का है, या तो बर्निंग वाला मटेरियल फंसा होगा या कुछ हो सकता है। तो इस ऑयल को जब सर्कुलेट कर रहा है इसमें, तो ये जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर फंसा होगा मटेरियल हो या कुछ डस्ट वस्ट, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, जिससे आवाज़ चला जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए कैसे ऑयल बाहर आएगा, ठीक है। मशीन ये पूरा हीटिंग में है अभी, यह मशीन काफ़ी दिनों से बंद था, इसकी वजह से इसमें कुछ आ गया होगा, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रहा है। और वैसे भी आवाज़ आता है, या तो अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है तो भी आवाज़ आता है, या स्क्रू कहीं डैमेज होता है तो भी आवाज़ आता है। तो वो सब चीज़ देखना चाहिए, लेकिन हमारा इसमें क्या है कि ज़्यादा दिन से बंद था, इस वजह से ये आवाज़ आ रहा था। अभी देखिए, अब ये आवाज़ भी बंद हो गया, कचरा हो गया था बहुत ज़्यादा क्या, और ऑयल आ गया है, ठीक है। ऑयल पहले से हमारा क्लीन हो गया है, क्योंकि गर्म हुआ है तो इसमें जो भी मॉइस्चर था वो ख़त्म हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब आवाज़ नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये मशीन को अभी हम लोग काफ़ी दिनों से बंद था, तो इसको अभी स्टार्ट कर रहे हैं लोग, तो जो जो कमी आएगी हम उसको शेयर करेंगे आप तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जितनी भी वीडियो हैं सारी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोज हैं, अगर आप इंडस्ट्री लाइन में हैं तो। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें डलवाते हैं एफ सी डलवाएंगे, और एफ सी डलवाने के बाद इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। हाँ, ये बंद करने से पहले थोड़ा सा लाइनिंग का प्रॉब्लम था, तो उसको भी देखेंगे कि वो उसका प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है। तो अभी इसको बंद करके, ठीक है, अब इसमें एफ सी डलवा रहे हैं, ठीक है। PFC बोले तो वही मटेरियल में केमिकल बढ़ा देते हैं लोग, तो वह काफ़ी इसका मतलब कुछ बनता नहीं है। जो भी इस लाइन में है वो FC समझ रहा होगा कि FC क्या होता है, फ्लैशिंग बोलते हैं इसको। अभी वही डाले हैं लोग, अभी फिर से बैरल में गिर रहा है और अभी यहाँ तक आएगा, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे। जैसे देखिए, अभी ऑयल डाले हैं लोग, तो ऑयल को यह एफ़सी पूरा क्लीन कर देगा, ठीक है। उसके बाद से फिर से हम डालेंगे इसमें
वर्जिन मटेरियल, फिर इसको देखेंगे। लेकिन पहले हम एफसी डाल के ही देख लेते हैं क्लीन हो गया पूरा कि नहीं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं फीडर का ताकि लोड ज़्यादा रहे, काफ़ी दबाव से चारों तरफ साफ हो जाए। तो मटेरियल आने वाला है, तो अब आ चुका है यहाँ तक, जो वैक्यूम जहाँ लगाते हैं ये मटेरियल इधर आ गया है। देखिए ये फ्लैशिंग है, जैसे क्या होता है कि जो भी हम कंपाउंडिंग करते हैं उसमें केमिकल्स थोड़ा बढ़ा देते हैं तो फ्लैश बन जाता है, इसका बाइंडिंग नहीं हो पाता है, पॉलीमराइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो यह काफ़ी कमज़ोर रहता है, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेता मशीन, और केमिकल ज़्यादा रहता है तो बर्न नहीं होता है इतना रेजिन। तो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए और लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स का वीडियो भी आ गया, आता ही रहता है हमारे इस चैनल पे। क्योंकि अब आ गया है, हमारा लगा चुका, क्योंकि जो आवाज़ है कई कारण से आवाज़ करता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्यों आवाज़ वो आ रही है। अभी क्या होता है कि ये तो अभी हमारा जो डाई हेड है उसका आधा पार्ट है, अभी इसके आगे स्पाइडर भी लगाना है, अभी हमने डाई हेड को ही खोल के रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका भी अलाइनमेंट कभी गड़बड़ हो जाता है, आगे से ज़्यादा ऊँचा मतलब ऊपर कर देते हैं या ज़्यादा डाउन हो जाता है तो भी स्क्रू में थोड़ा बहुत आवाज़ आने लग जाता है, क्योंकि स्क्रू बैरल को टच करने लग जाता है कहीं कहीं, तो वो भी सारी चीज़ देखना चाहिए। अभी देखिए अभी इसमें लाइनिंग आ रहा है, ठीक है, तो इस लाइनिंग को हम सही करेंगे। ठीक है, अंदर तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बस बाहर लाइनिंग आ रहा है, तो इसी लाइन को हम सही करेंगे। अब इस लाइन को सही करने के लिए रेजिन डालेंगे, प्योर मटेरियल जिससे पाइप बनाए थे हैं, और उसके बाद से फिर से मतलब जब रेजिन डालेंगे तो उससे यही है कि वो पूरा क्लीन कर देगा, ठीक है। जब हार्ड मटेरियल आएगा तो पूरा क्लीन कर देगा, जहाँ पे भी जहाँ से भी ये आ रहा है उसको भी ये साफ़ कर देगा, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो अभी रेजिन डालते हैं। फ्रेंड्स, रेजिन भी अब आ जाएगा, फिर रेजिन आता है तो हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा आ रहा है, ठीक है। अभी हम 11 आरपीएम पे घुमा रहे हैं, 11.7 पे, देखिए अब आ चुका है। रेजिन मटेरियल आ चुका है, अब ये जल्दी टूटेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हमेशा आता रहेगा इस चैनल पे, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम तुरंत अपलोड करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक क्लीन हो जाएगा धीरे धीरे, और क्लीन हो जाएगा उसके बाद से मशीन रनिंग में आ जाएगा। ठीक है, साफ हो गया लग रहा है, साफ हो गया।